बीमारी के ऊपर आता हूं, डायबिटीज। डायबिटीज अभी भारत दुनिया का ऐसा एक देश बनने जा रहा है जो सबसे पहले क्रमांक का डायबिटीज वाला देश हो, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। अब ये डायबिटीज होता क्यों है? डायबिटीज का संबंध जो है वो डाइजेशन से है। जिसका भोजन किया हुआ वो पचता नहीं है, उसको डाइजेशन होता नहीं है, उसी को डायबिटीज होता है। एक तो होता है हेरिडिटरी, अनुवांशिकता से, आपके दादाजी को भी था, पिताजी को भी था, आपको भी है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। मगर आपको है, अब दादाजी को नहीं था, पिताजी को नहीं था, घर में किसी को नहीं था, मगर आपको हो गया है, तो आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है? सबसे पहला मेथी दाना, जो मैंने आपको बताया हार्ट के लिए वैसे ही। दूसरा है, और वो है जामुन की गुठली, करेले की गुठली और निम्बोली, नीम के जो फल लगते हैं कड़वे नीम के, इन तीनों को अलग अलग लेकर उसको सुखा दो और अलग अलग पाउडर बनाओ, और अलग अलग पाउडर बन जाने के बाद में इसी पाउडर को एक चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भोजन करने के एक घंटे के बाद पहले, दोनों समय का मतलब तीन बार आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ एक घंटा पहले। आप इतना सस्ता, मतलब जामुन का ये आया समय, आया मौसम आया तो बहुत जामुन खा लो, गुठलियां बचा के रखो, उसका पाउडर बना लो, निम्बोली लेकर आओ और करेले की सब्जी खा लो, करेले के बीज बचा के रख लो, उसका पाउडर बना लो, इन तीनों के पाउडर को मिक्स करके तीन बार अगर आप लेंगे सुबह खाली पेट भोजन करने के एक घंटा पहले और दोनों समय का, तीन बार अगर आप लेंगे तो आपकी डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भोजन करने के बाद में डाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको गुड़ और अजवाइन, ये अगर आप खाएंगे तो आपको डायबिटीज कभी होगा ही नहीं। आप अगर मिट्टी के बर्तन में भोजन करेंगे और पका हुआ 100% भोजन अगर करेंगे तो आपको डायबिटीज कभी हो नहीं सकता। अन्न पका हुआ अनाज अगर आप खाएंगे कुकर वाला तो डायबिटीज आपको होगा। तो ये चीजें डायबिटीज के लिए मैंने बताई। करेले का जूस भी अच्छा है, नीम का जूस भी आप अगर सुबह पियेंगे तो बहुत अच्छा है, आपको कभी नहीं होगा। नीम का दतून जो करता है उसको भी डायबिटीज नहीं होता कभी।